हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइबर सिटी। और यार, आज का जो टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के हवाले से, जो कि एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जो कोर्स है, इसको सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं, इनका काम क्या होता है कंप्यूटर के फील्ड में, उसके अलावा कितनी टाइप्स की होती हैं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज किस कैटेगरी में फॉल करती है, इसका क्या काम होता है। तो वो सारा कुछ आज आपको इसमें पता लगेगा। और इन फ्यूचर सी प्लस प्लस के अलावा भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स जो हैं वो कवर करेंगे। तो अगर आप इस तरह के आईटी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं सी प्लस प्लस या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक्स नॉलेज आपको मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो भाई, कोडिंग करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आखिरकार होती क्या हैं, क्यों काम में आती हैं, इनका मकसद क्या होता है। सबसे पहली बात तो यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या। असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं होती, सिर्फ ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, सिंबल या कोड, जिनको आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखें, अब हम हैं जैसे, तो हम जैसे किसी इंसान को कोई भी बात कन्वे करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ज़ाहिर आप एक अंग्रेज के सामने उर्दू बोलेंगे, उसको समझ नहीं आएगी, तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसी तरह कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिर हमें कंप्यूटर को कमांड देनी पड़ती है। तो ये मेन पर्पज़ है प्रोग्राम लिखने का या फिर उसको कोड करने का। तो अब जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हैं दो टाइप्स, बेसिक जो टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वो दो हैं, जो कि है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब जो लो लेवल लैंग्वेज हैं वो होती हैं मशीन से ज़्यादा क्लोज होती हैं, वो यानी कि मशीन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है, लेकिन ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ वही बंदा उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा जिसके पास आईटी के हवाले से या कंप्यूटर के हवाले से बहुत ही डीप नॉलेज है। तो अब लो लैंग्वेज लैंग्वेजेस की जो दो टाइप्स हैं वो है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब जो मशीन लैंग्वेज है वो है क्या, मशीन लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली बाइनरी फॉर्म में ही लिखी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी फॉर्म जो है वो सिर्फ जीरोस और वंस होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही सिर्फ जीरो और वन को करता है बाइनरी फॉर्म को। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे, जैसे आप मशीन लैंग्वेज में कोई कोड लिखेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करना कंप्यूटर के लिए बहुत फास्ट और ईजी होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करें, क्योंकि वो डायरेक्ट ही उसको उसकी लैंग्वेज में बताया जा रहा है। क्योंकि अगर आप किसी और लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसके लिए पहले उसको ट्रांसलेट करता है ज़ीरो और वन में, और फिर जाके वो एग्जीक्यूट होती है स्टेटमेंट। लेकिन मशीन लैंग्वेज में जो है वो ऐसा नहीं है, मशीन लैंग्वेज में डायरेक्टली आप बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं और वो बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट भी हो जाती है। अच्छा, अब मशीन लैंग्वेज का जो दूसरा नाम है, इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। अच्छा, अब आ जाती है लो लेवल लैंग्वेजेस की दूसरी टाइप। पहली है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज की ही एक टाइप है, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर है। इसके अंदर कुछ लैंग्वेज या फिर सिंबल यूज़ किए जाते हैं बाइनरी कोड के अलावा, यानी कि बाइनरी कोड को निकाल दिया जाता है इसमें से। असेंबली लैंग्वेज में डायरेक्टली आप बाइनरी कोड नहीं लिखते, आप इसके अंदर कोई लैंग्वेज या सिंबल लिख देते हैं। अच्छा, ये असेंबली लैंग्वेज में जो हम कोड्स या सिंबल यूज़ करते हैं, इनको कहते हैं निमोनिक्स। ठीक है, इनको निमोनिक्स कहते हैं। जैसे कि SUB सब, ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि आप दो नंबर को माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक निमोनिक्स की एग्जांपल है। असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ लो लेवल लैंग्वेजेस का आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, कि ये मशीन से थोड़ा क्लोज होती हैं और इंसान की समझ से थोड़ा सा दूर होती हैं। अच्छा जी, अब ये तो हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक टाइप। अब जो दूसरी टाइप्स हैं उनमें आती है हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो होती है बिल्कुल उल्ट, जैसे लो लेवल लैंग्वेज थी कंप्यूटर के करीब, हाई लेवल लैंग्वेज होती है ह्यूमन के लिए ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंडेबल होती है, वो जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, तो अभी इसकी तीन टाइप्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। पहली है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, तो जो ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं, इनमें क्या होता है कि इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस भी कहा जाता है या फिर 3GL भी कहा जाता है। तो अब प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में होता क्या है, हमें पहले ही पता होता है कि हमने कुछ हमें सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस का पता होता है, हम ये इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ये काम हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ये काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाते हैं, और कंप्यूटर उसी सेम सीक्वेंस के साथ जिस तरह हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट भी कर देता है। अच्छा,
अब प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के जो है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेजेस के ऊपर कई ज़्यादा एडवांटेज हैं, जैसे कि प्रोग्राम जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो इंग्लिश में तकरीबन होती हैं और इजी टू लर्न होती हैं एंड इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। अच्छा, इसको लिखने के लिए कम टाइम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये हम नोन है हमारे लिए लैंग्वेज, हम इसको जानते हैं, तो इसलिए हम इसको लिखने में भी कम टाइम लगेंगे ज़ाहिर है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि प्रोग्राम जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं, और अगर हमारे पास प्रोग्राम में कहीं पे गलती हो जाती है और हमें उसको मॉडिफाई करना होता है तो हम उस गलती को निकाल के मॉडिफाई करना हमारे लिए मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। अब जो हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, वो कैटेगरी है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में ही फॉल करती है। तो अब हम चलते हैं अपनी डायरेक्ट सी लैंग्वेज की तरफ। अब सी लैंग्वेज कहाँ पर बनी, कैसे बनी, चलें। सी लैंग्वेज जो है वो एक पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है और ये बनाई थी डेनिस रिचिस ने। इसने कहाँ पे बनाई थी, ए टी एन टी एंड बेल लेबॉरेटरीज में इसने ये लैंग्वेज बनाई थी 1972 में, सी लैंग्वेज। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ तो भी यही है, इससे पहले होता था यूनिक्स या मैकिन्टोश वगैरह, तो ये जो है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि ये डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो ज़ाहिर है वो किसी ने कोड किया तो वो बनी है, आप लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपके पास एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके बरक्स होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता ही है जो आपके सिस्टम को रन करने मदद करता है, जैसे कि विंडोज़ है, विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सी लेवल लैंग्वेज जो है इसीलिए मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाती है क्योंकि ये बहुत ईजी होती है अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, अब सी का ताल्लुक सी प्लस प्लस से क्या है। अच्छा, सी प्लस प्लस जो है वो इसी का एक ऑल्टरनेट है लेकिन वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती, वो आ जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हाई लेवल लैंग्वेजेस की तीन टाइप्स हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस। तो सी फॉल करती है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के एरिया में, और जो है सी प्लस प्लस वो फाइंड करती है, फॉल करती है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है, जिसको हम ओप भी कहते हैं। अच्छा, सी प्लस प्लस क्या करती है, अब ये भी 1980 में बेल लेबॉरेटरीज में ही बनी थी जहाँ पे सी बनी थी। अब ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर ऐसा एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है सी लैंग्वेज का। और ये क्या करता है कि ये हमें सिर्फ थोड़े से ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के साथ काम करने का जो है वो टाइम दे देता है। अब ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस होती क्या हैं, क्लासेस होती हैं ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में मदद करती हैं। ठीक है, अब आपके पास क्लासेस होंगे तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकेंगे। अब हमें उससे पहले पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब जो ओप है यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर चीज़ें लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जो कि डाटा और फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये डाटा और फंक्शन से मिलके बनते हैं ऑब्जेक्ट, और आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं किससे, क्लासेस से। ठीक है, तो सी प्लस प्लस एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है और ये आपके लिए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को डेवलप करने में हेल्प आपकी कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन आगे जाके नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी कुछ खोल खोल के एक्सप्लेन कर दिया है। अब रह जाती है बात नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आप सिर्फ कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे हम पहले तो ये था ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होगी या फिर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होगी, उसमें पहले कोड करना पड़ता था फिर वो एग्जीक्यूट होता था, लेकिन ये जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं इनमें आप सिर्फ क्या करते हैं कि आप उनको कंप्यूटर को बता देते हैं कि आपने ये काम करना है, कैसे करना है, कौन सा काम नहीं करना, ये सारा कुछ आप। अच्छा जी, ये तो हो गया नॉलेज आपका बेसिक लैंग्वेजेस के बारे में। अब क्योंकि हमने कोडिंग करनी है तो हमें कोड्स की टाइप का ही पता होना चाहिए। अब पहले आता है जी सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, और सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उनकी स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर क्या करता है पहले उसको ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है,
अब हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स कोड, हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी लिखते हैं, और सोर्स कोड फिर ट्रांसलेट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है कि मशीन खुद ब खुद मशीन लैंग्वेज में जो है ऑब्जेक्ट कोड को ट्रांसफ़र कर देती है, यानी कि सोर्स कोड में आपने उसको प्रोग्राम दिया, आपने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम, मशीन ने या कंप्यूटर ने क्या किया, उसने उसको ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफ़र किया, ट्रांसलेट किया। ऑब्जेक्ट कोड खुद क्या है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज में एक लिखा गया प्रोग्राम है, नथिंग एल्स। अच्छा, अब जो है ऑब्जेक्ट कोड इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, तो इधर से आपके लिए बात क्लियर हो जाती है कि सिर्फ दो काम होते हैं, सोर्स कोड आप लिखते हैं, ट्रांसलेशन होती है ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड से डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देता है स्टेटमेंट को, ठीक है। अब ये तो होगी कि ट्रांसलेट कर लेता है, लेकिन ट्रांसलेट करता कैसे है, उसके लिए पहले कंप्यूटर को लैंग्वेज को प्रोसेस करना पड़ता है। तो अब प्रोसेस कंप्यूटर लैंग्वेज को कैसे करता है, अब उसके लिए यूज़ होते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स, ठीक है। आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो वो लैंग्वेज प्रोसेसर्स को यूज़ करता है। प्रोसेसर्स जो हैं लैंग्वेजेस के, वो मेजर जो हैं वो दो यूज़ होते हैं, वो हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। अब कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर होता है ऐसा प्रोग्राम जो कि कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल लैंग्वेजेस में, सॉरी कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कन्वर्ट कर देता है इंस्ट्रक्शंस जो हाई लेवल लैंग्वेज में आपने दी होती हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में एज अ होल कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इकट्ठा। आपने समझ लें दो पेजेस का प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब कंपाइलर क्या करेगा, उस पूरे को इकट्ठा ही इनकोड कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा वो मशीन लैंग्वेज के अंदर इनकोड पूरे का पूरा इकट्ठा करेगा और आपके कंप्यूटर को ऐसे कैसे ही पकड़ा देगा, यानी कि आपका जो सोर्स कोड है उसको वो एज अ होल पूरा ट्रांसलेट करके आराम से आपकी मशीन को कन्वे कर देगा, जिसके बाद कि आपको बहुत आसानी होगी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। अच्छा, अब इंटरप्रेटर क्या करता है, तो दोनों का काम तो एक ही है, इंटरप्रेटर का काम भी यही होता है कि उसने लैंग्वेज को प्रोसेस करना होता है और फिर उसको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन लेकिन आप क्या करते हैं इंटरप्रेटर में, इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है आपका काम, जैसे था कि कंपाइलर में आपको एज अ होल लैंग्वेज एज अ होल कोड वो आपको एग्जीक्यूट करके ट्रांसलेट करके दे देता था, लेकिन कंपाइलर इंटरप्रेटर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि आपको लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूशन देता है, पहले एक लाइन को कोड को ट्रांसलेट करता है, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें टाइम ज़ाहिर है, कंपाइलर एज अ होल इकट्ठा कर देगा, इंटरप्रेटर पहले एक को कोड करेगा, फिर उसके एरर चेक करेगा, फिर सारा कुछ करेगा, लेकिन इससे आपका एक फ़ायदा भी हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि कहाँ पे मेरा एरर है, प्रोग्राम में मेरा एरर कहाँ पे है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है असेंबलर, क्या पढ़ा हमने, कंपाइलर पढ़ा, इंटरप्रेटर पढ़ा, और अब आ जाता है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, अब असेंबलर है जो वो होता है जी असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये तो था ना कि हमने हाई लेवल से लो लेवल में ट्रांसफ़र करना था, यानी कि कंपाइलर था वो भी हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, इंटरप्रेटर है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, लेकिन असेंबलर जो है वो आपको नाम से पता चल जाता है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली जीरोज एंड वंस होती है और सिर्फ वही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, बेशक असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेजेस की ही एक टाइप है, लेकिन फिर भी वो उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया कोड भी पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा और फिर उसके बाद जाके वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये आज के लिए कुछ बेसिक्स थी प्रोग्रामिंग के हवाले से, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम C++ और सी का टोटल प्रोग्रामिंग का जो है कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।